adapt exercise. This is part 3. So let's start. आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं. ये जो आज हमारे बहुत सारे काम हैं हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं. सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों में करते हैं. इनमें लिखना कि हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो व्यक्तिगत में मनोरंजन, हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करना और फोटोग्राफी. और सार्वजनिक में रेल बस टिकटों की बिक्री में सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करना, विभिन्न उद्योगों की जानकारी सूचनाएं प्रचारित करने में और नौकरी से संबंधित जानकारी. नेक्स्ट, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं. जैसे हम किसी को जानकारी देते हैं या हम किसी से लेते हैं तो उसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं. हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग होते हैं. अभिव्यक्त है ये जो बताने के भी कई ढंग होते हैं. बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, इस बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में करो. इनका वर्गीकरण इस तालिका में करना है. और बॉक्स में ये दिए गए हैं, संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव-भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश और इश्तिहार. ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती हैं. ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं वो एक तरफा भी हो सकती हैं. जिन चीज़ों के जारी एक तरफा संप्रेषण होता है उनको आगे ऐसा निशान लगाएं. जिन चीज़ों का ये एक तरफा है ना उन पे ऐसा निशान लगाना है एरो का. दो तरफा संवाद की चीज़ों के लिए का ये निशान लगाओ ये वाला. तो इनमें से ये देखते जानकारी कौन सी है, भावनाएं कौन सी है. इट्स टू फन. तो इनमें से जानकारी, संदेश एक तरफा, चित्र एक तरफा, फैक्स एक तरफा, विज्ञापन एक तरफा, नोटिस एक तरफा, टीवी एक तरफा नहीं दो तरफा, और इश्तिहार एक तरफा, और भावनाएं फोन दो तरफा, अभिनय दो तरफा, मोबाइल एक तरफा, तार दो तरफा, मोबाइल संदेश दो तरफा, संकेत भाषा एक तरफा, नृत्य के हाव भाव एक तरफा. अब तुम्हारी डायरी. प्रश्न, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है. ये जो डायरी हम लिखते हैं उसमें कोई शौक है या निजी काम है. तुम अपनी डायरी किसी को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है. तुम्हारी ये जो डायरी है तुम किसी को पढ़ने दोगे या नहीं दोगे ये तुम्हारी मर्जी होती है. कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें. किसी किसी व्यक्ति ने अपनी ये डायरियाँ छपवाई हुई है ताकि बहुत सारे लोग उनको उस बुक को पढ़ सके, उस डायरी को. ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में सुनाओ. ऐसी कोई डायरी ढूंढो और उसका कोई भी अंश, कोई भी एक पैरा जैसे कहीं से भी कुछ ले लो और वो अपनी क्लास में सुनाओ. उत्तर, छात्र पुस्तकालय के प्राप्त कर डायरी पढ़कर कक्षा में सुनाएं. ये जो हम ये लाइब्रेरी होती है उसमें से कोई डायरी प्राप्त करे और वो क्लास में सुनानी है. वही वाली डायरी जो आपने लाइब्रेरी में से ढूंढी है. अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो. देखो, अपनी खुद की डायरी बनाओ और उसमें आपसे जो बातें जुड़ी हुई हैं वो लिखो. जैसे कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि मैं आई स्टडी इन 5th क्लास, आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, इसलिए मुझे
सभी बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से मुझे सब प्यार करता है। मैं पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे रहती हूँ, मैं ये जो पढ़ाई है और उसके साथ मैं खेल कूद में भी आगे रहती हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर व छोटों से प्यार करती हूँ, मैं ये जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट और छोटों से प्यार करती हूँ, जैसे छोटे भाई बहनों से। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है, सुबह हम जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज़ सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, मैं सुबह ना रोज़ ईश्वर से वंदना लेती हूँ और गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। छात्र स्वयं अपनी डायरी बनाए, ये जो हर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डायरी खुद बनाएंगे, आप ये भी लिख सकते हो। मैं 6 साल की हूँ, मैं 9 साल की हूँ, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, लाइक दिस, मैं 9 साल की हूँ। नेक्स्ट इज डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे। उत्तर, डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषता और यहाँ होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखना चाहेंगे। हम अपने ये जो डायरी है उसमें स्कूल के क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है उसकी और कैसी पढ़ाई होती है वो लिखना चाहेंगे। लेफ्ट ओवर बैक एक्सरसाइज वी विल डू इन पार्ट 4। If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to